हाय फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मसाला आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सूखे मसालों को रोस्ट करना है। तो इसके लिए हम लेंगे धनिया सीड्स, ज़ीरा, काली मिर्च, सौंफ और सूखी लाल मिर्च। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं। अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। तो ये सारे मसाले यहाँ रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करना है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ उबले हुए आलू और इन्हें पीसेस में कट कर लिया है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हींग, कलौंजी सीड्स और एक चम्मच कटा हुआ लहसुन। यहाँ लहसुन को ब्राउन होने तक भूनना है। तो लहसुन यहाँ ब्राउन हो गया है, रोस्ट हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे उबले हुए आलू। अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर और नमक। आलू और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमें यहाँ लो ही रखनी है। अब इसमें ऐड करना है रोस्ट किया हुआ मसाला, जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये स्पाइसी और चटपटे मसाला आलू बनके तैयार है। आप सब भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये आलू पूरी और पराठे दोनों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप सब भी बना के देखिएगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।